बेहतरीन मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो फार्म पावर ने डिजाइन की है। इसका मशीन का नाम है मल्टी क्रॉप बैक टोकरी मॉडल। अब हम जानेंगे कि मल्टी क्रॉप बैक टोकरी थ्रेशर मॉडल ये क्या है, क्योंकि थ्रेशर तो बहुत सारे हैं मार्केट में जो कि हम लोग थ्रेशर बेसिकली नाम से ही जानते हैं, और ये फार्म पावर ने डिजाइन किया है मल्टी क्रॉप बैक टोकरी मॉडल। अब बैक टोकरी मॉडल मल्टी क्रॉप, ये क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या क्या हमको इसके फायदे हैं किसान को, हम इसको कैसे मतलब एक बेहतर समझे, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं आपको। ये हम आपको थोड़ा टेक्निकल के बारे में बताएंगे कि ये हमारा ट्रैक्टर से पीटीओ है, मेन शाफ्ट ड्राइव है, वो हमारा उधर मोटर रखा हुआ है इस साइड में, हम आपको दिखाएंगे मोटर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा मोटर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बैक टोकरी, आइए हम आपको दिखाते हैं बैक टोकरी। बैक टोकरी मींस फ्रंट साइड में जो फ्रंट है, फ्रंट साइड में ड्राइव है, बैक साइड में एक टोकरी टाइप का लगा हुआ है, हॉपर है, जिसमें कि हमारा एक अगल लगा है और एक फिटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है कि हम इसमें बंडल्स जो हैं वो लेबर लाएगी और उसमें बंडल्स डाल देगी, या तो हमने बंडलों को यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है, जो क्रॉप के बंडल हैं उनको हमने यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद में हमारी वो अपर में थ्रेशर यूनिट है, तो थ्रेशर यूनिट में क्या है कि उसमें जो क्रॉप है वो थ्रेशिंग हो जाती है। अब इसका एक बहुत बड़े बेनिफिट हैं दो तीन, जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और जिसके बारे में आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बेहतर, ये मशीन वास्तव में रियल में मशीन बेहतर है फार्मर के लिए। तो हम आपको बताएंगे कि ये थ्रेशर हो जाता है, और कभी क्या होता ना कि ग्रेन जो है, जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके से थ्रेश नहीं हो पाई है, अनथ्रेशिंग कुछ बचा हुआ है, तो अनथ्रेशिंग के लिए इस मशीन में काफ़ी अच्छा सा अरेंजमेंट किया गया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि थ्रेशिंग करने के बाद एक तो भूसा बन गया वो अलग हो गया, और उसमें कुछ ग्रेन्स रह गए जो अनथ्रेश मटेरियल है, तो वो दोबारा से ग्रेन हो जाता है, दोबारा से वो रीथ्रेश हो जाता है। तो वो थ्रेशर के बाद गेहूं का लेयर और अनथ्रेश का लेयर दोनों सेपरेशन है। जब अनथ्रेश मटेरियल बचता है तो वो एक हमने अगर दिया हुआ है लिफ्टिंग अगर, उसके जरिए वो दोबारा से रीथ्रेश हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो अनथ्रेश मटेरियल है वो हमारा ए सीव है, सीव ग्रेन सीव और अंतरिक्ष मटेरियल, यहाँ से सेपरेशन हो जाता है और इस रास्ते से जाके ये हमारा अगर है, वर्म बोलते हैं इसको, यहाँ से जाके वो दोबारा से बैक टोकरी में जाता है, बैक टोकरी के बाद में थ्रेशर में आ जाता है। तो ये ग्रेन थ्रेशिंग का एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिससे कि हमको अंतरिक्ष ग्रेन कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरा थ्रेश मिलेगा। उसके बाद इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, जब इस तरीके से अंतरिक्ष ग्रेन सेपरेट हो जाएगा तो बेहतर सी बात है कि क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब क्लीनिंग के लिए हमको क्या करते हैं, एक इसका बेनिफिट है, हम आपको अब दिखाएंगे क्लीनिंग के लिए कि इसमें जो ग्रेन होता है वो काफ़ी क्लीन होता है, और हम उसको ज़मीन में ना डाल के उसको हम ट्रॉली में भर देंगे डायरेक्टली। अब ट्रॉली में भरने, ये हमारा ग्रेन का है, यहाँ पे ग्रेन सेपरेशन हो गया, अब यहाँ पे आके हॉपर में पड़ जाता है, ये लिफ्टिंग का अगर है, और ये यहाँ से हम इसको ट्रॉली में, इसको हम ट्रॉली में डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या बेनिफिट हो गए, एक तो लेबर बच जाता है हमारा, लेबर का क्या, कैसे कि अगर हम इसको अदर सेरेशन में क्या ग्राउंड में डालते हैं या बैगेज में भरते हैं, तो इसमें बैगेज में ग्राउंड में डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ट्रॉली में ले लेंगे इसको। तो हमारा एक लेबर क्या होगा, एक लेबर उठा उठा के डालेगा उसको, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ये तो बड़ी से स्टॉक लग जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम उसको एक उठाएगा उसमें और उठा के यहाँ पे डालता है, तो यहाँ पे बड़ा सा स्टॉक लग जाता है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, दो लेवल लगेगी। अब हम उसको डायरेक्ट ट्रॉली में ले लेंगे, एक तो ये हो गया हमारा। अब तीसरे में क्या करेंगे बेनिफिट में, कि हमको मल्टी क्रॉप, मैंने भी बोला, मैंने क्या बोला आपको, मल्टी क्रॉप थ्रेशर क्या है कि इसमें हम एक से ज़्यादा क्रॉप को थ्रेशिंग करके निकाल सकते हैं। गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, तो मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप को हम इसमें निकाल सकते हैं थ्रेशर से, ये हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर हो गया। इसमें सबसे बड़ी आपको हम विशेषता ये बताएंगे कि अगर फार्मर सपोज एक हमारा थ्रेशर ले लिया, तो बेटर है कि वो सजेस्ट करूँगा कि मल्टी क्रॉप थ्रेशर ले। मल्टी क्रॉप से उसको ना ऐसा नहीं है कि
उसको चार थ्रेशर लेने की जरूरत है, चार नहीं वो एक ही से सारे काम कर लेगा, कि उसमें से हमारा गेहूं भी निकाल लेगा, ठीक है, दालें भी निकाल लेगा, मक्का भी निकाल लेगा, और मतलब और दो चार और क्रॉप है जो कि उसको वो निकाल सकता है। तो हम आपको जैसा कि बताएं इस मशीन के बारे में, एक बहुत अच्छी मशीन है, मल्टी क्रॉप मशीन है ये। तो मैंने आपको बहुत सारा इसमें जानकारी दी है कि ये मतलब गेहूं निकाल सकती है, दालें निकाल सकती है, और मैं तो फार्मर को रिकमेंड करूँगा कि मतलब ये थ्रेशर एक बहुत अच्छा थ्रेशर है, जिससे कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी फसलें निकाल के आप अच्छे से अर्न कर सकते हो। थैंक यू।